और भाई क्या हाल है सभी के? बढ़िया भाई बढ़िया, आप कैसे हो? बहुत बढ़िया। देखो प्यार परी सत श्री अकाल जी। तो सुबह के ना 6 बज चुके हैं और ठंड हो चुकी है काफ़ी यहाँ पे। आग लड़कों ने बाली थी लेकिन कोई फ़ायदा लग नहीं रहा इसका। और टेंट देखो यार हमारे, बढ़िया 3 बंदे हो गए, 3 टेंट लगाई है थे हमने। ये भाई आए हैं चंडीगढ़ से, और चंडीगढ़ से दोनों ही चंडीगढ़ से, और ये तो आपको पता ही है कल साथ में थे हैदराबाद से। ये अपना बुलेट खड़ा है। और यार व्यू देखो आप सुबह सुबह का। तो चलो अभी रेडी होते हैं तो उसके बाद मिलेंगे आपको, चाय वाय पीते हैं। यार ठंड लग रही है बॉस। ये अपनी अभी हमने चाय रेडी कर ली है, चाय पीते हैं, टेंट हटाते हैं और उसके बाद चलते हैं फिर। तो ये सामान अपना रेडी हो चुका है और भाई अपना कर रहे हैं, हम थोड़ा अभी जल्दी निकल जाएंगे यार क्योंकि इन्होंने तो आगे जाना है। चलो भाई ओके मेरे, मिलेंगे जल्दी यहाँ फिर। बिल्कुल। और ये भाई का भी चैनल है, सब्सक्राइब जरूर करना। क्या नाम है भाई चैनल का? वंडरलेस तरुण। वंडरलेस तरुण, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, जल्दी मिलेंगे भाई। ठीक है भाई। चलो भाई ठीक है। कहाँ ठीक है भाई? हाँ कहाँ जा रहे? अभी मैं जाऊँगा ना। कहाँ भाई? कहाँ? कोई बात नहीं, मिलेंगे भाई जल्दी दोबारा। और तो चलो अभी हम चलते हैं, उसके बाद मिलेंगे आपको रास्ते में। आज काफ़ी ऊंचाई है यार। तो चलो कोई बात नहीं, आती जाती रहती हैं ऊंचाइयाँ, तो चलो चलते हैं अभी। यार आज ठंड काफ़ी है, लेकिन मतलब इधर मौसम ठंडा ही रहता है। ये देखो यार साथ में नदी जा रही है ना, इसका भी काफ़ी मतलब सही असर होता है ठंड के लिए। वैसे सही है यार, ठंड में साइकिल चल जाता है, गर्मी में ना साइकिल भी नहीं चलता। तो आज हमें कम से कम 30-35 किलोमीटर चढ़ाई चढ़नी पड़ेगी, उसके बाद फिर ढलान है डबरिंग तक। चलो यार चढ़नी तो पड़ेगी आज, चलो चलते हैं। यार झरना देखो कितना बढ़िया है यहाँ पे, ये देखो इधर। अरे ट्रक वाले भी ना बड़ी तेज़ आते हैं। चलो यार चलते हैं धीरे धीरे आगे। तो यहाँ पे ना हम रुके हैं, भाई मिले हैं यहाँ पे, तो खाना बना रहे थे। मैंने कहा चलो मैं भी खा लूँगा आपके साथ थोड़ा। और भाई क्या हाल है? मस्त दोस्त। कहाँ से हो भाई? ग्वालियर एमपी से। ग्वालियर एमपी मध्य प्रदेश से। आप भी साथ ही? ग्वालियर। अच्छा बाइक से आए हो आप? रेंट पे गए या अपनी बाइक है? अच्छा अपनी खुद की है। खुद की सही है, वो रेंट बहुत महंगा पड़ता है। अच्छा ये टेंट लगा लिया है ना? जी टेंट लगाया अपना, एक टेंट ये लगाया है। तो एक में ही सो जाते थोड़ा? चार लोग हैं। अच्छा चार लोग हो, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो खाना बना रहे हो? जी जी। लेकिन अभी लग रहा है टाइम लगेगा ना? टाइम लगेगा थोड़ा सा। चलो देखते हैं, अगर तो जल्दी बन गया तो खाएंगे, नहीं तो फिर आगे निकल जाएंगे। अभी यार ना मतलब भाई तो अभी खाना इन्होंने लेट बनाना था, लेकिन ये कह रही चलो तेरे लिए बना देता हूँ। भाई बना रहे हैं, थैंक यू भाई। मतलब यार भगवान की कृपा से ना जो भी मिल रहा है बहुत अच्छे लोग मिल रहे हैं यार। चलो आगे का भी सफ़र हमारा ऐसे ही निकलेगा बढ़िया, तो कृपा रही भगवान की। तो बस आपका साथ चाहिए यार, आप साथ देते रहो, चैनल को सब्सक्राइब किया करो, वीडियो को शेयर किया करो, बस इतना ही चाहते हैं आपसे। इतनी मेहनत करते हैं साइकिल से, देखो कहाँ कहाँ जाया हूँ। तो चलो मिलेंगे अभी आपको, खाना खा लें उसके बाद मिलेंगे। ये देखो भाई ने कितनी अच्छी रोटी और सब्जी बना ली। आप पहले ही बनाते रहो ना? हाँ तभी। हाँ 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 चलो यार खाना खाते हैं तो चलते हैं फिर आगे। चलो अपना यार सुबह का खाना भी हो गया, भगवान किसी ना किसी को तो भेज ही देता है साथ देने के लिए, नहीं तो आगे चलता पता नहीं कहाँ पे खाता। 150-200 रुपये लगते और अच्छा मिलता या नहीं मिलता। यहाँ पे इतना अच्छा खाना बना के दिया यार भाई ने। चलो चलते हैं अभी।
तो ये अभी हम पहुंच चुके हैं गया गांव में पहुंच चुके हैं। यहाँ से रुस्सम है पता नहीं एक वो रह गया 2-3 किलोमीटर, उसके बाद फिर चढ़ाई स्टार्ट हो जाएगी पूरी। गर्मी हो गई यार आज, फिर ऊपर से जैकेट पहन रखी है, लेकिन आगे आके ठंड हो जाएगी। तो चलो चलते हैं धीरे धीरे। नमस्ते अंकल जी। हाँ जी, कैसे हो? बस ठीक हो? हेलो हेलो कर दो। कैंडी खाओगे? कैंडी हाँ, ये लो। और झूले? अच्छा आप कहाँ से आए? मैं पंजाब से सर। अच्छा अच्छा, कब कितना दिन हो गया सर? और झूले दो ले लो, दो ले लो। और सर ठीक हो? बस सर चलो, ये माँ के पास ले जा रहा है ना। अच्छा ठीक है ठीक है, बाय 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 बाय। ठीक है सर, आज जुले जुले। ओके जी, चलो चलते हैं आगे। तो अभी हम ना रुमतसे गांव में पहुंच चुके हैं। अभी यहां से बस आगे पास की चढ़ाई स्टार्ट हो जाती है। अभी थोड़ी बस यहीं से हो जाती है, मतलब कि देखो धीरे धीरे करके यहां से होगा कम से कम 28-29 किलोमीटर। तो चलो कोई बात नहीं, 2-3 बजे तक पहुंच जाएंगे आराम से, उसके बाद डलाना है तो देखते हैं। और यार हो सकता है वीडियो का ना नेटवर्क की दिक्कत आ रही है थोड़ी बहुत ही, तो आगे हो सकता है वीडियो वगैरह लेट हो, तो देखते हैं। तो यहाँ से रह गया तंगलंगला 26 किलोमीटर। अभी मतलब वैसे ज़्यादा ऊँचाई नहीं है, लेकिन थोड़ी आगे जाके काफ़ी आ जाएगी कह रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, धीरे धीरे चलते हैं। व्यू देखो यार, वो सामने पहाड़ों पर बर्फ़ पड़ी हुई है। अभी थोड़ी सी ढलान ही है, पीछे से काफ़ी चढ़ाई थी। चलो यार कोई बात नहीं, पहुंच जाएंगे धीरे धीरे, चलते हैं। और ये देखिए यहाँ पे अभी बस हम टॉप पे पहुँचने वाले हैं, देखिए यार पूरा। और यहाँ पे ठंड भी काफ़ी हो चुकी है, चलो अभी चलते हैं आगे। तो लो जी अभी हम पहुँच चुके हैं तंगलंगला। ये देखिए यहाँ पे बना हुआ है होम स्टे भी है यहाँ पे, क्या बात है भाई। यू आर पासिंग थ्रू सेकंड हाईएस्ट। अभी ये सेकंड तो नहीं रहा ना, थर्ड हो गया ना, उमिंगला बन गया ना एक। तो पहले सेकंड हाईएस्ट प्लेस थी, लेकिन अभी ये थर्ड हो गया, क्योंकि ये उमिंगला मतलब हो गया, उसके बाद खरदुंगला, उसके बाद ये लिखा है 17,582 फुट। तो चलो अभी आगे चलते हैं, सारी ढलान है यार यहाँ से, कोई दिक्कत नहीं है। अभी ना यार सारी ढलान है, तो मतलब कि आज की वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं। तो आपको मिलेंगे कल के व्लॉग में, नेक्स्ट वीडियो में। अभी हम आज डबरिंग पहुँच जाएंगे, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा मैंने यहाँ पर क्यों एंड किया है।